सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट गुरुजी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए। बूम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्थ, आप देखें क्रिकेट गुरुजी। आज आपको बताऊंगा मैं 2 पीस और 4 पीस की बॉल के बारे में। तो Here we go. और आप अभी देख सकते होंगे यहाँ पे, ये मैंने खुद बनाया क्रिकेट गुरुजी का एक लाइटनिंग बोर्ड, तो इसके लिए थम्स अप बनता है। सर, सबसे पहले 2 पीस बॉल होते हैं। 2 पीस बॉल में आपको मिलता है 2 पीस ऑफ लेदर, जो एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है। दोनों को ज्वाइन करके बीच में से फाइनल लेदरिंग करने के बाद वो बॉल बनता है। और 4 पीस बॉल, उसमें आपको मिलते हैं 2 पीस और 2 1 पीस का यहाँ का आधा, उसे कहते हैं 2 पीस इस साइड और 2 पीस इस साइड। फिर उन दोनों को फाइनल लेदरिंग करके उसको बनाते हैं 4 पीस। तो ये 4 पीस एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है इन लोग को बनाने में, इसलिए इन लोग की थोड़ा बॉल का एक्सपेंसिव करते हैं। और 2 पीस उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते जितने 4। तो 2 पीस बॉल होते हैं वो स्पेरिकल होते हैं, राउंड नहीं होते, क्योंकि दो जो बॉल होते हैं वो 2 प्योर सर्कल होते हैं। फिर उन दोनों को ज्वाइन करने के बाद फाइनल लेदरिंग के वक्त वहाँ पे आपको मिलता है एक एक्स्ट्रा टेपिंग, वो जो अंदर होता है उससे आपका बॉल थोड़ा वहाँ से ऊपर थोड़ा सा हिल जैसा बन जाएगा थोड़ा, उससे आपका बॉल प्योर सर्कल नहीं होता। और 4 पीस में आपको ज़्यादा मेहनत की वजह से उसको थोड़ा अंदर खींच लेते हैं, उससे आपको पूरा बॉल सर्कल मिलेगा, उससे आपको खेलने में भी मज़ा आती है। 2 पीस बॉल होते हैं वो उन लोग की 2 पीस बॉल की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब 3-4 दिन खेल लो फिर दूसरे दिन से आपका खेलना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बॉल की ड्यूरेबिलिटी कम होती है और बॉल जल्दी टूट सकता है। और 4 पीस बॉल में ऐसा कुछ नहीं होता, 4 पीस बॉल में आप जितना खेलना उतना खेल सकते हैं, पर एक टाइम आएगा, मतलब 1 महीना 2 महीने के बाद आप खेलते रहोगे तो आपका बॉल पता नहीं उसका ग्लास होता है वो निकल सकता है, या फिर बॉल तो टिक जाता है अच्छे तरीके से। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको दिखने को मिलता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 पीस का बॉल दिखने को मिलता है आपको, जो होता है SG का, कुकाबुरा, ये 2 मेन कंपनी है जो बनाती है 4 पीस बॉल फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। फिर आपको मैं आप सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप खेल रहे हो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी बैटिंग स्किल्स के लिए, तो आप यूज़ कीजिए 2 पीस बॉल। और आप अभी कोई मैच खेल रहे हो या फिर कोई ट्रेनिंग ले रहे हो मैचेस की, तो आप 4 पीस बॉल यूज़ कीजिए। और 4 पीस और 2 पीस में एक और बड़ा डिफरेंस आता है, जो है वेटेज का। 2 पीस बॉल बहुत हैवी होती है और 4 पीस लाइट वेट होती है, क्योंकि 2 पीस में 2 पीस को ज्वाइन करते हैं, उसके अंदर का जो पत्थर वो सब होते हैं जो बॉल के अंदर, वो पत्थर आपको बहुत भारी मिलेंगे। और 4 पीस में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता, उसमें सिर्फ आपको एक रबर की लाइनिंग, रबर की सब मिलता है आपको, रबर का, और उसको आप कनेक्ट कर देते हैं 2 बॉल को 4 पीस को, इसलिए आपको 4 पीस का वेटेज उतना नहीं मिलेगा और 2 पीस का आपको वेटेज ज़्यादा मिलेगा। तो ये थी 2 पीस वर्सेस 4 पीस की इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून। Tu cosita, dame tu cosita, ay.